तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला है, लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण रद्द किया है। तो हाई कोर्ट ने चुनाव समय पर कराए जाने के आदेश दिए हैं, साथ ही हाई कोर्ट ने नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया है। तो 5 दिसंबर तक शासन का नोटिफिकेशन है उसको रद्द किया गया है, और चुनाव कब होगा इसका फैसला सरकार और आयोग करे, हाईकोर्ट का कहना है। साथ ही जस्टिस डीके उपाध्याय, जस्टिस लवानिया का यह फैसला सामने आया है। तो पहले 3T फॉर्मूला अपनाए सरकार, हाईकोर्ट का कहना है। सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए, और सुप्रीम कोर्ट का आदेश 3T का पालन करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का भी आधार बना है ये, तो संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए, हाई कोर्ट का कहना है। साथ ही कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। तो बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है यूपी सरकार को। ओबीसी आरक्षण रद्द किया गया है और तत्काल चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अहम फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया है। ओबीसी के लिए आरक्षित अब सभी सीटें जनरल मानी जाएगी। हाईकोर्ट ने तत्काल निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं।